शहर में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। अब अपराधियों में खौफ की जगह आम नागरिकों में खौफ बढ़ता जा रहा है और अपराधी बेलगाम होकर शहर में वारदात दर वारदात अंजाम देकर पुलिस और पब्लिक का चैन छीनने में लगे हुए हैं। कृष्णगंज थाना अंतर्गत बीती रात चोरों ने सूने पड़े मकान से लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात सहित हजारों की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित मकान मालिक की सूचना पर पुलिस ने चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रगति नगर कोटड़ा निवासी सुनीता शर्मा ने बताया कि पिछले शुक्रवार को अपनी बेटी की सास की मृत्यु होने पर पूरा परिवार बयाना गया हुआ था। गुरुवार को जब वापस आए तो मकान पर लगा ताला टूटा हुआ मिला और घर के अंदर की सारी अलमारियों के ताले टूटे हुए थे। चोरों ने 3 अलमारियों से लगभग 30 तोला सोना, 5 किलो चांदी और 60,000 रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। लगभग 10 लाख रुपए से अधिक का माल चोरी हो जाने से परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। उनके जीवन भर की कमाई मिनटों में लूट ली गई। संडे को 4:45 बजे ट्रेन से गए थे और अभी आए हैं। सुबह फोन आया था भैया का कि सब कुछ बस में थे, तब आया कि सब कुछ ताले वाले टूटे हुए, सामान चोरी हुआ। लगभग 50,000 रुपए तक कैश थे, बच्चों के गुल्लक वगैरह भी तोड़ दिए, 2 किलो के लगभग चांदी, 2 किलो के लगभग चांदी और ये लगभग 30 तोला लगभग सेट थे, अंगूठियां थी, टीका न थे ऐसे, और उसमें पायल वगैरह सब पायल थी, कैश कैश था। आ करके नहीं देखा, मेरे बेटे का फोन आया सुबह, यार तो वैसे ही फोन करता है, वो वैसे ही फोन करा उसने। फिर जब वो ड्यूटी जाने के टाइम घर खोल के देख के जाता, पेड़ों को पानी वानी पिला के जाता है, जब उसने आके देखा तो कह रहा मम्मी, फिर फोन करा उसने मेरे को। मैं कहा दोबारा कैसे फोन करा बेटा, क्या बात है कि वो भी रोने जैसा लग गया। उसने कहा घर में चोरी होगी। मैंने कहा क्या चोरी हुआ, कि सब चोरी होगी। वही दूसरी वारदात रामगंज थाना अंतर्गत अजय नगर इलाके में हुई, जब दिन दहाड़े एक महिला के गले से अज्ञात बाइक सवार लुटेरा चेन लूट कर फरार हो गया। इस घटना से क्षेत्र के लोगों में पुलिस के खिलाफ काफी आक्रोश व्याप्त हो गया। मौके पर पहुंचे रामगंज थाना प्रभारी नानूराम ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया और नाकाबंदी कर स्नेचर की तलाश शुरू कर दी। तो चौकी के स्टाफ को भी मैंने नाकाबंदी करवाई। मैं खुद ही तारागढ़ रोड पे कच्चा रोड निकलता है, मैंने कहा इधर से आ सकता बदमाश, तो मैं और एक सिपाही वहाँ पे नाकेबंदी कर रहे थे। बाकी थाने पे लोगों को थाने के सामने नाकेबंदी करवाई है, प्लेन क्लॉथ में भी लोगों को लगा रखा है। इस प्रकार की घटना ये बता रहे हैं, मेरी नॉलेज में पहले नहीं थी कि इस प्रकार यहाँ बदमाशान आते हैं बैठते हैं। अगर इस प्रकार आते करते हैं तो मैं इनका अप्रोप्रिएट इलाज करूंगा। बदमाशों को कहीं बख्शा नहीं जाएगा, कोई हो, किसी का रिश्तेदार हो, कोई नहीं बख्शा जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अजय नगर निवासी महादेव बच्चानी ने बताया कि उनकी बड़ी बेटी बहन सरस्वती देवी भीलवाड़ा से अजमेर पुष्कर मेले में आई हुई थी। दोपहर में जब अजय नगर बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रही थी, तभी पीछे से एक बाइक सवार लड़का तेज गति से आया और गले पर झपट्टा मारकर 2.5 तोले सोने की चेन और 1 तोले का लॉकेट तोड़कर फरार हो गया। सरस्वती देवी के अनुसार बाइक सवार लड़के ने हरी शर्ट पहन रखी थी और सर पर हेलमेट लगा रखा था। एक आदमी आया मेरे गले में से चेन खींचे, मेरा टुकड़ा भी लेके चले गए, मैं अलग अलग करने लगे, वो भाग गया छाती में लगा, चोर 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 चले, वो भाग गया। कपड़ा बदल जरा बता लो। कपड़ा साए कलर की चौकरी की बुशेट पहनी हुई थी, हरे कलर की, और पूरा हेलमेट पहना हुआ था। 2.5 तोले की जो चेन है, तोले का पुतला है। साढ़े तीन तोले। करीबन 1 घंटा पहले की बात है, हम यहाँ पे बस स्टैंड पे खड़े थे बस के लिए, तो हम 3 लोग थे। एक लड़का आया बाइक पे, पहले तो नीचे गया, फिर वो ऊपर आया, अचानक से 1 सेकंड के लिए उसने टर्न लिया और गले पे हाथ मार के, छाती पे हाथ मार के, और चुन्नी भी लेके गए और लॉकेट भी लेके गए। बहरहाल दिन दहाड़े हुई चेन स्नेचिंग की घटना से पुलिस की कार्यप्रणाली पर तो सवाल उठता ही है, वहीं पिछले कुछ दिनों पहले हुई चेन स्नेचिंग की घटनाओं से भी पुलिस अभी तक एक भी वारदात का खुलासा नहीं कर पाई है। देखिए आज कहते हुए अफसोस हो रहा है कि आम जन की सुरक्षा पता नहीं कहां क्या हो रहा है, कि पुलिस प्रशासन सोता ही रह रहा है, कि अजय नगर में दूसरी तीसरी वारदात हो रही है 1 महीने में। एक महिला अपने काम से जा रही थी और मेन रोड बस स्टैंड, अजय नगर का जो मेन चौराहा है बस स्टैंड, वहां से 5 मिनट में एक छोरा पता नहीं हेलमेट पहना हुआ कहां से आया और उसके सीने पे ऐसे झपटा मार के दुपट्टे के साथ चैन लेके भाग गया।